अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है दम की चाय, यानी हैदराबाद की फेमस ईरानी चाय। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 कप फुल फैट मिल्क लिया है। दूध को हमने पहले पका लिया और इसे मलाई के साथ ले लिया। 3 कप पानी लिया है, 2 हरी इलायची, 1/4 कप कंडेंस मिल्क, 3 टीस्पून चीनी ली है। चीनी हमने यहाँ थोड़ी सी कम ली है। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 4 टीस्पून चीनी ले सकते हैं। और 4 टीस्पून चाय की पत्ती ली है, नॉर्मल ही चाय की पत्ती ली है जो हम घर में यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसे बनाना। तो 1 गज में हम ये पानी डालेंगे। पानी में अच्छी तरह उबाल आने देंगे। पानी में जब अच्छी तरह उबाल आने लगे तो इसमें डालेंगे चाय की पत्ती। इसमें डालेंगे हरी इलायची, इसका हमने मुंह खोल दिया है, आप चाहे तो इसे थोड़ा सा कूट के भी डाल सकते हैं। चीनी डाल देंगे। चाय में जब इस तरह उबाल आने लगे तो गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मंदा कर देंगे और इसे हम ढक देंगे एक एल्युमिनियम फॉइल से। अगर आपके पास में ये ना हो तो आप यहाँ पर आटे की एक लेयर लगा दें और उसके ऊपर ढक्कन लगा दें। अब इसे हम ढक देंगे और गैस को कर देंगे मीडियम टू लो पर और इसे 15 से 20 मिनट अच्छी तरह दम लगने देते हैं। जब तक इसमें दम लगती है इसे हम दूसरी तरफ रखेंगे और यहाँ हम दूध पका लेते हैं। दूध पकाने के लिए हमने यहाँ एक दूसरा गंज ले लिया है और इसमें डालेंगे ये दूध। कंडेंस मिल्क डाल देंगे। अगर आपके पास में ये ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा खोआ डाल सकते हैं। इसे इस तरह मिक्स करते हुए दूध को हम पका लेंगे। दूध हमने 2 कप लिया है तो इसे हम इतना पका लेंगे कि ये 1 कप बचे। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इस तरह चलाते हुए इसे पकाएंगे। दूध को हम इस तरह चलाते हुए पका रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें मलाई हम बिल्कुल नहीं पड़ने दे रहे हैं। इस तरह चलाते रहेंगे तो मलाई बिल्कुल नहीं पड़ेगी, दूध जल्दी गाढ़ा होगा। तो अभी यहाँ थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया है लेकिन अभी इसे हम और पकाएंगे। तो दूध यहाँ पक पक के गाढ़ा हो गया है। देखिए हमने यहाँ 2 कप दूध रखा था, 2 कप दूध में से ये 1 कप दूध बचा है। तो हम यहाँ गैस को बंद कर देंगे और चाय को देख लेते हैं। ये देखिए चाय में भी अच्छी तरह दम लग गई है। गैस को हम बंद कर लेंगे और इसे हम छान लेंगे। तो ये चाय को हमने छान लिया है, अब ये कप में डालेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ये गाढ़ा दूध। चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मजे की ये ईरानी चाय बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।